तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिंदी सेकेंड मॉडल पेपर के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है, सभी सब्जेक्ट के दो दो मॉडल पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम सेकेंड मॉडल पेपर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो फर्स्ट मॉडल पेपर की थी, अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाके आप देख लीजिए। तो आज की इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकेंड में मॉडल पेपर है, ठीक है, हिंदी का। तो वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो हो सकता है इस बार भी रिपीट हो सकते हैं कुछ क्वेश्चन, नहीं भी हुए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? नंबर एक गोंडा, बी नंबर उन्नाव जिले, सी नंबर शाहजहांपुर, डी नंबर है कटक। जिन स्टूडेंट का राइट आंसर मालूम है बेशक वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अदरवाइज मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है बी नंबर, प्रताप नारायण मिश्र का जन्म उन्नाव जिले में हुआ था। ध्यान में रखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप नारायण मिश्र का जन्म किस सन में हुआ था? नंबर एक, नंबर एक आप लोगों को है 1856, और बी नंबर है 1865, सी नंबर है 1870 और डी नंबर है 1887। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है क्या होता है, वो होता है 1856 ईस्वी में, ठीक है, 1856 में हुआ था। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और किस सन में हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे आ जाएगा कि जन्म कहाँ हुआ था, और ऐसा दूसरा क्वेश्चन होगा कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, किस सन में हुआ था, ऐसे भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो दोनों के आंसर आपको मिल गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप नारायण मिश्र किस युग के निबंधकार थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रताप नारायण मिश्र जो थे वो किस युग के निबंधकार थे? जैसा कि आपको मालूम है बहुत सारे युग हैं, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, प्रगतिवादी युग, छायावादी युग। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस युग के हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है बी नंबर, भारतेंदु युग, ठीक है। जो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं वो भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मन की लहर किसकी कृति है? नंबर एक रामचंद्र शुक्ल, बी नंबर प्रताप नारायण मिश्र, सी नंबर हजारी प्रसाद, डी नंबर राम कुमार वर्मा। तो जो मन की लहर है वो किसकी कृति है या किसकी वो रचना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण नामक पत्र का संपादन किसने किया था? नंबर एक भारतेंदु, बी नंबर डॉक्टर जगमोहन, सी नंबर प्रेमघन, डी नंबर प्रताप नारायण। तो जो ब्राह्मण नामक पत्र है उसका जो संपादन किया था उनका नाम है प्रताप नारायण, ठीक है। मिश्र नहीं लगा है क्योंकि कोई कोई प्रश्न में आप लोगों को मिश्र नहीं लगेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये मिश्र जी हैं, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले मैं आप लोगों को दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं। अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो जो भी मैं बीए, बीएससी, बीकॉम से रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके, तो ये प्रोसेस आप ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निबंधकार के अनुसार ईश्वराराधन के लिए कौन सा उपादान अति महत्वपूर्ण है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है क्या होता है, नंबर एक है तप, बी नंबर है प्रतिमा, सी नंबर है दया, डी नंबर है दान। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो क्या कर देंगे, तप कर देंगे, दया कर देंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको प्रतिमा पर क्लिक करना है, यानी कि बी नंबर सेलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंधकार के अनुसार पूजा का क्या अर्थ है? बहुत ही जनरली क्वेश्चन है। नंबर एक परोपकार, बी नंबर प्रसन्नता, सी नंबर सत्कार, डी नंबर दुत्कार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है सी नंबर, सत्कार, ठीक है। पूजा का अर्थ सत्कार है, ध्यान में दीजिएगा, ये आपके लिए भी यूजफुल क्वेश्चन है, आपके जनरली क्वेश्चन है ये, ठीक है, सत्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
आपके पाठ्यक्रम में प्रताप नारायण मिश्र का कौन सा निबंध है? नंबर एक वीरता, बी नंबर ईश्वर की मूर्ति, सी नंबर उत्साह, डी नंबर कुटच। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो आपका बी ए सेकेंड मॉडल पेपर है, यानी सेकेंड पे है सेकेंड पेपर, उसमें जो प्रताप नारायण जी का जो भी निबंध है वो क्या है, मतलब उसका क्या नाम है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, ईश्वर की मूर्ति। ठीक है, जो निबंध है प्रताप नारायण मिश्र का वो है ईश्वर की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात निबंध किसका है? नंबर एक पंत, बी नंबर मिश्र, सी नंबर प्रसाद, डी नंबर निराला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है बी नंबर मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र जी का। क्योंकि आज की इस वीडियो मैंने पहले ही बता दिया जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं सब प्रताप नारायण मिश्र से रिलेटेड मैक्सिमम होने वाले हैं, अदरवाइज और भी क्वेश्चन हैं लेकिन ज़्यादातर प्रताप नारायण मिश्र के ही हैं। तो अब बात करते हैं कि ये मिश्र जी, जैसे कि आप बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हैं कि हाँ मिश्र जी कौन है, पंत कौन है, प्रसाद, तो मैं आपको बता दूँ मिश्र जी वही हैं प्रताप नारायण मिश्र जी, प्रसाद जी मतलब राम प्रसाद जी, ठीक है, और निराला जी आप लोगों को पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, वेदों में ईश्वर के किस स्वरूप का वर्णन है? वेदों में ईश्वर के किस स्वरूप का वर्णन है? नंबर एक सूक्ष्म, बी नंबर अति सूक्ष्म, सी नंबर विराट, डी नंबर में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है सी नंबर विराट। वेदों में जो ईश्वर के स्वरूप का वर्णन किया गया है वो विराट रूप में किया गया है, ठीक है, विराट स्वरूप में मतलब बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर की मूर्ति निबंध, ईश्वर की मूर्ति निबंध की भाषा किस युग की भाषा से मेल खाती है? तो जो यानी कि प्रताप नारायण मिश्र जी की जो निबंध है ईश्वर की मूर्ति, वो जो भाषा है उसमें निबंध में वो किस युग के भाषा से मैच करती है यानी मेल खाती है? तो नंबर एक ऑप्शन है शुक्ल युग, बी नंबर छायावादी युग, और सी नंबर है द्विवेदी युग, और डी नंबर है भारतेंदु युग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है डी नंबर भारतेंदु युग, ठीक है, भारतेंदु युग से मैच करती है, मेल खाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ईश्वर की मूर्ति निबंधकार के अनुसार ईश्वर ने आदम को किस स्वरूप में बनाया? तो नंबर एक ऑप्शन है शैतान, बी नंबर है दूसरे के, सी नंबर अपने के, डी नंबर हैवान। क्वेश्चन का मतलब समझिएगा, ईश्वर की मूर्ति निबंधकार के अनुसार ईश्वर ने आदम को किस स्वरूप में बनाया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है सी नंबर अपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दीपावली में उपासना निबंध में कौन सी शैली प्रयुक्त है? तो नंबर एक है समास शैली, बी नंबर है व्यास शैली, सी नंबर चित्रात्मक, और डी नंबर है तरंग शैली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है दोस्तों वो होता है डी नंबर, ठीक है, क्या होता है डी नंबर तरंग शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर की मूर्ति शीर्षक निबंध की शैली किस प्रकार की है? विचार प्रधान, हास्य व्यंग, सी नंबर का और खा दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है विचार प्रधान और हास्य व्यंग, ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, का और खा दोनों, ठीक है, दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लेखन कला में प्रताप नारायण मिश्र किसे अपना आदर्श मानते हैं? नंबर एक हजार प्रसाद द्विवेदी, बी नंबर भारतेंदु हरिश्चंद, और सी नंबर है महाप्रसाद महावीर प्रसाद, और डी नंबर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जो प्रताप नारायण मिश्र जी अपना आदर्श मानते हैं वो मानते हैं श्री किसको मानते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद जी को। राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद जी को अपना आदर्श मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दांत नामक निबंध में मिश्र जी ने किस शैली का प्रयोग किया है? नंबर एक तरंग, बी नंबर चित्रात्मक, सी नंबर समास, डी नंबर कला। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है बी नंबर चित्रात्मक। राइट आंसर हो जाएगा चित्रात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, धोखा ब्रद्ध निबंध किसका है? नंबर एक प्रताप नारायण, बी नंबर जैनेन्द्र, सी नंबर यशपाल और डी नंबर है अज्ञेय। तो राइट आंसर आप लोगों को भाई मालूम ही होगा, ए नंबर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। जितने भी प्रताप नारायण मिश्र जी की कृति हैं, जितने भी निबंध हैं, मैंने सारी फाइनली आप लोगों को मैक्सिमम बता ही दी है। ये सारे क्वेश्चन आप जरूर रट लीजिएगा जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये थोड़ा टाइप करने में मिस हो गया क्योंकि अभी जन्म के बारे में मैंने ऊपर बता ही दिया है, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस टाइप हो गया, इग्नोर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकी मंगल की रचना कब हुई? तो आप लोगों को शायद मालूम ही होगा, ये क्वेश्चन मैंने पिछले उसमें रिपीट किया था। किसमें? पिछले जो मैंने मॉडल पेपर बताया था उसमें रिपीट किया था, आप लोगों को शायद मालूम ही होगा जानकी मंगल के बारे में। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोगों को शायद उस वीडियो मैंने बता ही दिया था, राइट आंसर हो जाएगा 1629 से 30, ये सी नंबर हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आप इसी तरह के और भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करें, थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई स्टूडेंट चाहते हैं कि और मॉडल पेपर बनाए जाएँ, तो मैं इसके ऊपर और भी किसी लेखक किसी कवि के ऊपर और भी वीडियो बनाऊं। इसलिए आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, कुछ पूछना चाहे तो बेशक वो पूछिए आप। और हाँ, ये जो सारे क्वेश्चन हैं मैं आप लोगों को बता दूं कहाँ मिलने वाले हैं, ये वेबसाइट है वहाँ से मिलेंगे, मैं आपको बता दूं। तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं आप लोगों को इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये वेबसाइट है आपकी अपनी वेबसाइट है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो यहाँ से आप वेबसाइट के लिंक से, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे। और हाँ, मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ, और ये जो सारे क्वेश्चन ये वाले इस फेसबुक पेज पे भी आपको मिल जाएंगे, तो आप हमें इस पे फॉलो कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा फेसबुक पेज को, जिससे मैं आप लोगों तक हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूँ। तो दोस्तों मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।